साथियों, घर साफ सुथरा ही अच्छा लगता है, लेकिन उस पर बुरा असर कम हो सकता है, ये कभी आपने जानने की कोशिश की है? शायद नहीं की होगी। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिनको सुनकर आप घर की सफाई के तरीके में बदलाव ले आएंगे। जी हाँ, ये तो सभी जानते हैं कि हम जिस घर में रहते हैं उसकी रोजाना साफ सफाई रखना बेहद जरूरी है। घर को साफ सुथरा रखने से ना केवल हम अनेक रोगों से बचते हैं, बल्कि घर में समृद्धि भी बनी रहती है। घरों में सफाई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कपड़े कैसे हों, इस पर ध्यान देना भी बेहद जरूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि घर के पुराने कपड़े उठाते हैं और सफाई करना शुरू कर देते हैं। क्या आपको पता है, वास्तु के अनुसार हर तरह के कपड़ों से सफाई नहीं की जा सकती। कई कपड़े ऐसे होते हैं जिनसे सफाई करने पर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी आ सकती है। आइए जानते हैं इस बारे में ज्योतिष क्या कहता है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और उनके कपड़े जल्दी पुराने हो जाते हैं, और शिशु के कपड़े जब ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, तो कई घरों में इनका उपयोग सफाई में किया जाने लगता है। लेकिन वास्तु में इसे सही नहीं माना गया है। ऐसा करने पर आपके बच्चे के स्वास्थ्य में गलत प्रभाव पड़ सकता है। कई बार ऐसा देखने में आता है कि फटे हुए अंडरगार्मेंट का उपयोग घर में पोछा लगाने में किया जाता है। इससे वाहनों को धोने के अलावा सफाई में भी यूज किया जाता है। लेकिन वास्तु में ऐसे कपड़ों को सफाई में लेने से नेगेटिव एनर्जी का संचार होना बताया गया है, इसीलिए ऐसे कपड़ों का उपयोग करने से भी बचना चाहिए। कई घरों में बुजुर्ग या कोई ऐसा व्यक्ति जो दुनिया में नहीं है, उसके पुराने कपड़ों का यूज सफाई में करने लगते हैं। लेकिन वास्तु शास्त्र में दिवंगत व्यक्ति के कपड़ों से भी सफाई करने की मनाही की गई है। ऐसा करना किसी भी मायने में सही नहीं है। पोछा लगाने के लिए हमें हमेशा से ही नए कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि पहनने वाले कपड़े का ही पोछा बनाएं। आज के टाइम पर हर तरह के रेडीमेड पोछा मार्केट में मौजूद है, वो आप खरीद सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।